वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं उमित कुमार और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और ये सब्जेक्ट, ये जो वीडियो है पॉलिटिकल साइंस के लिए है, पॉलिटिकल साइंस जो बीए फर्स्ट ईयर के लिए, और जिसका टॉपिक या जिसको ये याद करना, लर्न करना कि राज्य के नीति नहीं तत्व है क्या, तो इनके लिए ये वीडियो बिल्कुल सही है। और इसके अलावा और स्पेशली अगर आपको पॉलिटिकल का एक चैनल है जिसपे आपको समझना है कि सर वो कैसे, या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो कंपटीशन के लिए पॉलिटिकल की कुछ चीज़ें हैं जो आती है एग्जाम में, तो इसके लिए आपको एक चैनल है मी एंड माय यूट्यूब क्लासेस, वहाँ जाकर आप सर्च कर सकते हैं पॉलिटिकल से रिलेटेड कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है वहाँ पर, यानी वो सब्जेक्ट रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। और ये है कॉलेज के चैप्टर के अकॉर्डिंग बी ए फर्स्ट ईयर का, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड देखिए, नीति नीति तत्व है क्या, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है कि संविधान निर्माताओं ने सोचा कि राज्य राज्य एक व्यवस्थित काम कर सके, लोगों के कल्याण की तरफ वो काम कर सके, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए होना ये चाहिए कि राज्य को कोई निर्देश देना वाला हो जिसके अनुसार राज्य काम करे और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। तो संविधान निर्माताओं ने राज्य की गाइडलाइंस के तौर पर, हम समझ लीजिए, एक नीति तत्व का निर्माण किया गया। अब ये नीति निर्देशक तत्व है उसके बारे में और थोड़ा समझ लीजिए कि क्या है। तो देखिए, संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में, संविधान निर्माताओं का लक्ष्य क्या था, भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कैसे राज्य की, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, और इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी बातों का समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में परिणित किए जाने पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। मतलब संविधान निर्माता ये चाहते थे कि राज्य एक ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य है वो बने, तो इसके लिए राज्य के लिए एक ऐसे निर्देशों की व्यवस्था की गई जिसके अकॉर्डिंग राज्य बन जाए लोगों के हित के अनुसार कार्य करने वाला। तो यही है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं अपने संविधान में इसका वर्णन कहाँ पे है, ठीक है ना, और ये कहाँ से किस तरह से लिया गया, तो ये हम उसके एक तरह से एग्जाम में ये या पूछा जा सकता है छोटा बड़ा प्रश्न। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान की बात करें, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, और ये आपको ध्यान रखना है। नीति निर्देशक तत्व का प्रश्न आता रहता है, तो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए, ये आपको पता होना चाहिए। ये लिए गए आयरलैंड से, कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है ना, और आयरलैंड से नीति तत्व हैं वो कहाँ पे लिए गए, भारतीय संविधान में, भारत के संविधान में शामिल है, ठीक है। अब भारत के संविधान में शामिल हैं, इसके अलावा अब आपको इम्पोर्टेंट चीज़ एक है वो जो ध्यान रखनी है वो ये कि जो नीति तत्व लिए गए हैं भारतीय संविधान में, ठीक है ना, आयरलैंड से लिए गए हैं, तो अब इसमें एक इम्पोर्टेंट ये है कि अब भारतीय संविधान में ये कहाँ वर्णित है, भारतीय संविधान में इसका वर्णन क्या किया गया, तो ध्यान रखिए संविधान में ये भाग चार और प्रश्न आ जाएगा कौन से अनुच्छेद के तहत संविधान अपने नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है, तो वो आप लिखेंगे 37 से लेकर 51 तक। ये जो है वो नीति निर्देशक तत्व से जुड़े भारतीय संविधान के अंदर प्रावधान किए गए हैं, ठीक है ना, और आयरलैंड से लिए गए, ये तो आपको अब ध्यान रखना है। और ये भी बता दिया कि नीति तत्व का मतलब क्या होता है, एक अच्छे आदर्श राष्ट्र की स्थापना के लिए, ठीक है ना, कि एक अच्छा हो जो लोक कल्याणकारी रूप में कार्य कर सके। तो अब आगे हम पढ़ते हैं, तो एल जी खेड़कर ने नीति तत्व के बारे में कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिनकी क्रियान्वित का प्रयत्न, जिनको क्रियान्वित करने का प्रयत्न शासन को करना चाहिए, यानी राज्य को ये व्यवस्था करनी चाहिए शासन प्रशासन के लिए, वो नीति के अकॉर्डिंग ही काम करें। अमरनंदी का कथन है, नीति निर्देशक तत्व ऐसे आदर्शों के रूप में है जो संविधान द्वारा राज्य को दिए गए हैं, संविधान के द्वारा राज्य को दिए गए हैं। जैसे आपको पता है अधिकार हैं वो व्यक्तियों के लिए होते हैं, लेकिन अधिकार के साथ कर्तव्य, कर्तव्य है वो एक तरह से व्यक्तियों को कार्य करने के लिए, एक तरह से कि आपको इस तरह से कर्तव्य करना चाहिए, तो मूल कर्तव्य वो है नागरिकों के लिए, और नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वह राज्यों के लिए होते हैं कि भाई राज्य आप इस अकॉर्डिंग काम करें तो बेहतर है, वो साम्राज्य यानी कह सकते हैं लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना कर सकते हैं कल्याणकारी राज्य की। तो अब ये प्रश्न ये आता है कि भाई मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच कभी कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक है ना, कभी ये कन्फ्यूजन हो जाए कि भाई मूल अधिकार नीति तत्वों में महत्वपूर्ण कौन है,
मूल अधिकार और नीति निषेध तत्व में महत्वपूर्ण कौन है। और ध्यान रखना मैं आपको पूरे के पूरे नीति तत्व के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। इससे पहले आप ये हम यहाँ पे समझते हैं कि एक तरफ यहाँ पे आ गया मूल अधिकार, क्या आ गया मूल अधिकार, ठीक है, और एक तरफ है नीति निदेशक तत्व। ठीक है, तो अब इसमें और इसमें दोनों में कौन महत्वपूर्ण है जब ये प्रश्न आ जाए, तो पहला आपको ध्यान रखना कि मूल अधिकार होते हैं, मूल अधिकार अगर पहले बात करें तो मूल अधिकार है वो न्याय योग्य होते हैं, ये न्याय योग्य होते हैं। तो अब इधर आ जाएगा कि नीति निदेशक तत्व है वह न्याय योग्य नहीं होते हैं। अब देखिए न्याय का मतलब योग्य मतलब कहने का मतलब है जैसे आपके अधिकारों का हनन होता है तो आपके न्याय आपके जो अधिकारों की रक्षा है वो न्यायालय करता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि मूल अधिकार न्याय योग्य है, लेकिन नीति निदेशक तत्वों को अगर कोई पालन नहीं करता, राज्य इसके अकॉर्डिंग शासन नहीं करता है, तो उसके लिए कोई न्याय के अंतर्गत कानून व्यवस्था नहीं लाई जाती या न्याय इसके लिए लागू नहीं करवाता है, यानी नीति तत्व का क्रियान्वयन नहीं होता है, इसको न्याय योग्य नहीं समझा गया है। ठीक है ना। अब इसके अलावा मूल अधिकार निषेधात्मक होते हैं। मूल अधिकार निषेधात्मक होते हैं मतलब ये हर एक के लिए अनिवार्य है और कोई इनके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। तो इसी तरह यहां पे हम बात करें नीति निदेशक तत्व सकारात्मक निर्देश है, ये सकारात्मक सकारात्मक निर्देश निर्देश तत्व है, यानी राज्य को क्या करना है कैसे करना है, तो ये काम है वो हमेशा ध्यान रखना, ये काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये सकारात्मक निर्देश की तरह होते हैं राज्यों के लिए। तो अब देखिए कि दूसरा अंतर यह है कि मूल अधिकार राज्य के कथित निषेधात्मक है जिसके राज्य को कुछ काम न करने का आदेश दिया जाता है। मतलब ये है कि नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत राज्य को लिमिट रखा गया, राज्य उसके अंतर्गत आके मूल अधिकारों को या मूल अधिकारों के ऊपर अपेक्ष ज़्यादा नहीं लगा सकता, तो इसका मतलब निषेधात्मक हो गया। लेकिन जो नीति निदेशक तत्व है वो राज्य के लिए एक तरह से सकारात्मक है, अगर ये काम करेगा तो पॉजिटिव वे में होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से बात की जाती है। फिर एक बात आ जाती है कि जो मूल अधिकार हैं ये नागरिकों के लिए होते हैं, किसके लिए होते हैं, नागरिकों के लिए होते हैं, और नीति निर्देश किसके लिए होगा, ये तत्व राज्य के लिए होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य के लिए, यानी नीति तत्व का वर्णन किया हुआ संविधान में वो राज्य के लिए किया गया, जबकि मूल अधिकार हैं वो नागरिकों के लिए होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अब ये प्रश्न एक बार आ गया था कि इन दोनों में ये बात करके दोनों में महत्वपूर्ण कौन है, तो ध्यान रखना एक फैसला आया था मिनर्वा मिनर्वा मिल्स, मिनर्वा मिल्स तथा अन्य विवाद, अन्य विवाद, और ध्यान रखना मिनर्वा मिल्स एवं अन्य विवाद ये हुआ था 1980 में और इसका फैसला आया। तो इस फैसले के अनुसार कहा गया कि यानी निर्णय दिया गया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बारे में इन्होंने ये फैसला दिया था और कहा कि संविधान की इन दो प्रमुख व्यवस्थाओं में कानूनी दृष्टि से मूल अधिकार को उच्च स्थिति प्राप्त है। इसने फैसला दिया कि कानून की दृष्टि से मूल अधिकार प्राथमिक है, मूल अधिकार प्राथमिक है, ठीक है ना, और इस मूल अधिकारों को प्राथमिक है और इसको उस स्थिति तथा इसे उस स्थिति प्राप्त है। मतलब इसका समझना
कि इन दोनों के बीच में जब विवाद हुआ तो ये फैसला दिया गया कि जब भी ऐसी कोई बात हो कानूनी दृष्टि के रूप में तो मूल अधिकार है वो नीति नी तत्व के से पहले आएंगे, यानी प्राथमिक रूप में होंगे। तो इस तरह से इन दोनों के बारे में समझ लिया, यानी समझ लेना कि ये एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप समझ रहे हैं तो आगे फ्यूचर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो यहाँ पे जो बता रहा हूँ। अब आगे हम देखते हैं कि मूल अधिकार और नीति निषेधक तत्व के बारे में हमने समझ लिया, तो अब नीति निषेधक तत्व है कौन से, ठीक है ना, तो वो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए वैसे तो मैंने आपको ये बताया कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, तत्व कहे या सिद्धांत कहे, ठीक है ना, तो ये 37 से लेके 51 तक है, लेकिन इसमें 36 और 37 ये राज्य से संबंधित है, राज्य के लिए। इसके अलावा अब आ जाते हैं अनुच्छेद 38 से 51, यानी एक तरह से संविधान में पूरी रूप में कहे कि नीति तत्व का वर्णन कहा गया है, तो 37 से 38 यानी दोनों आते हैं, यानी कहने का मतलब अनुच्छेद 37 से लेकर 51 तक, लेकिन वास्तविक नीति तत्व का वर्णन कहाँ से शुरू होता है, तो वो है 38 से लेकर 51 अनुच्छेद के अंदर। तो पहला हमें ध्यान रखना है कि इसमें आर्थिक सुरक्षा संबंधी कौन से निर्देशक तत्व दिए गए हैं। इन सब में हम एक बार से ऐसे कह सकते दृष्टिकोण के रूप में देखेंगे टोटल इसको। तो आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व तो ध्यान रखना, आर्थिक सुरक्षा संबंधी निधि निदेशक तत्व कौन से हैं, तो वो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए आर्थिक सुरक्षा का मतलब है कि आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए कौन से निधि तत्व हैं। तो पहला आपने ध्यान रखना है भारतीय संविधान के निर्माता का उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, और इसी दृष्टि से अधिकार निदेशक तत्व आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय के संबंध में व्याख्या की गई है, और संविधान में इस प्रकार के निम्न तत्वों का उल्लेख किया गया, जैसे राज्य अपने स्त्री राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष की पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा, राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। नेक्स्ट हम बात करें, राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित का किसी प्रकार की हानि हो, यानी जो राज्य के जो संसाधन है उस पर सभी का हक बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है, राज्य प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है ना, ये प्रावधान किया गया। सरकारी नौकरी में भी व्यवस्था है कि अगर थर्ड ग्रेड कोई लगा है तो स्त्री हो या पुरुष सबको बराबर वेतन दिया जाता है। तो ये जो काम ये जो व्यवस्था की गई है वह इस नीति तत्व के द्वारा की गई है ताकि एक सामाजिक व्यवस्था है वो स्थापित हो जाए। फिर है राज्य श्रमिक पुरुष और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमारक व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा, इसके लिए व्यवस्था करेगा, पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। और साथ ही साथ मूल अधिकार में कहा गया है कि राज्य बच्चों और युवकों के शोषण से तथा भौतिक व नैतिक परित्याग से रक्षा करेगा। और नेक्स्ट हम देख ले इसी तरह से, तो आपको ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक सुरक्षा को देखते हुए नीति तत्व में दो और बातें शामिल की गई, वो थी कि राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन समान अवसर और न्याय की प्राप्ति में सहायक हो, उचित व्यवस्थापन योजना अन्य प्रकार से समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। इसी तरह अनुच्छेद अपने इसका जो पॉइंट आ जाता 14 उसमें कहा गया कि राज्य उचित व्यवस्थापन तथा अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थान जो संस्था है इंडस्ट्रियल है तो उनमें प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने के लिए उचित कदम उठाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा गया, और कहा गया कि राज्य केवल व्यक्तियों की आय उसके सामाजिक स्तर सुविधाओं अवसरों संबंधी भेदभाव को कम से कम करने का प्रयत्न करेगा और समानता लाने का प्रयास करेगा। तो ये आर्थिक तत्व से संबंधित आ जाता है हर बात है जिसमें कहा गया कि व्यक्ति के लिए राज्य क्या करेगा, राज्य किस तरह की व्यवस्थाएं करेगा। तो ये बातें यहाँ पे बार बार ये हाईलाइट हो रही है, तो इसको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है,
ओके, तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि अपने जो निधि तत्व हैं उसमें सामाजिक हित से संबंधी निधि तत्व कौन कौन से हैं। तो वो ध्यान रखिए कि सामाजिक हित संबंधी कहने का मतलब है कि समाज में व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्य को संवैधानिक कौन से निधि तत्व के बारे में उचित रूप में वर्णन किया गया है। तो राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधियों औषधि में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों और अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया। यानी कहते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा बीड़ी सिगरेट गुटखा है जो वहाँ पे उसके ऊपर बड़े पोस्टर पे लिखा होता है ये ख़राब है इस तरह से। तो इस राज्य पहले ही ये वार्निंग लगाता है, ये कहता है कि इसका उपयोग नहीं करना है। और इस तरह से ये राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य के संदर्भ में राज्य चिंतित रहता है, क्योंकि एक लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापित होना है तो उसके लिए राज्य ऐसी व्यवस्था जरूर करता है। नेक्स्ट है कि राज्य जनता के दुर्बलतम अंगों के विशेषतः अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा अर्थ संबंधी इच्छों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा। ये इसमें हो गया अपना दूसरा पॉइंट। और तीसरा जो है, तीसरा ध्यान रखें न्याय शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी निदेशक तत्व। न्याय शिक्षा और प्रजातंत्र, प्रजातंत्र संबंधी निदेशक, यहाँ पे ध्यान देखिए, यानी नीति निधि तत्व में न्याय शिक्षा और प्रजातंत्र के संदर्भ में क्या बातें हैं या क्या जो है वो अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है जो वो व्यवस्था करता है राज्य। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि भारत के समस्त राज्य के लिए नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद बात करें 44, अनुच्छेद 44 के अनुसार, 44 के अनुसार राज्य है वह क्या करता है, समान नागरिक संहिता का अनुपालन करता है। समान नागरिक संहिता, तो ये जो व्यवस्था है यानी इस तरह की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाएगी, क्योंकि राज्य को कहा गया है कि आप राज्य के अंतर्गत, ठीक है ना, समान मतलब नागरिक जब इक्वल है, सभी राज्य के अकॉर्डिंग सभी नागरिक उसके लिए बराबर होते हैं, तो उनके लिए समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करना है। तो अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य है वो अपने अंतर्गत राज्य के अंतर्गत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करता है। इसके अलावा राज्य की सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाता है, और साथ ही साथ जो राज्य की व्यवस्थापिका है या जो कैसे विधानसभा और न्यायपालिका स्वतंत्र काम करे, इसके लिए राज्य ये खुद ही करेगा कि इन दोनों में स्वतंत्र रूप में काम कराया जाए, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र होती तभी अच्छे से काम कर पाती है। तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 45 में कहा गया था कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए राज्य का दायित्व है। ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जैसे मैंने मूल अधिकार में कहा था कि एक अधिकार जोड़ा गया था जिसमें 86 संविधान संशोधन किया गया 2002 को, और 21 का में एक अधिकार जोड़ा गया था कि 86-14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क से मतलब शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार और निःशुल्क रूप में शिक्षा व्यवस्था करवाने का जो दायित्व है वो राज्य का हो जाता है। कौन सी, अनुच्छेद 45 के अनुसार नीति निदेशक तत्व के तौर पर ये राज्य का दायित्व है कि वह उनके राज्य में जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, और यह संशोधन किया गया था और इसी के तहत इसमें निधि तत्व में जोड़ा गया। तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है कि राज्य न्याय शिक्षा और प्रजातंत्र के लिए यह व्यवस्था करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम चौथा, इसका जो पॉइंट है चौथा पॉइंट क्या कहता है तो वो देखना है कि वो यहाँ पे ये बात ही आ रही है कि प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी निदेशक तत्व। प्राचीन स्मारक, प्राचीन स्मारक को संबंधी, या ये बात करते हैं कि राज्य है वो उनके यहाँ पे जो प्राचीन धरोहर हैं
उनकी रक्षा वो राज्य खुद करेगा। जैसे अपने कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की बात करें तो ताजमहल वगैरह जैसे होते हैं, बाद के हवा अपने राजस्थान के बाद हवा महल है, या बहुत सारे अपने जैसलमेर के किले वगैरह जोधपुर की जो बहुत सारी व्यवस्था है, ठीक है ना, तो उनकी व्यवस्था है वो खुद राज्य करेगा। तो ये संविधान के द्वारा राज्य को कहा गया है कि प्राचीन जो स्मारक है स्मारकों की रक्षा संबंधी निदेशक तत्व। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, इन प्राचीन इन तत्वों द्वारा, यानी इन तत्वों मतलब नीति तत्व के द्वारा प्राचीन स्मारकों, कलात्मक महत्व के स्थानों, राष्ट्रीय महत्व के भवनों की रक्षा का कार्य भी राज्य को सौंपा गया है। और राज्य का कर्तव्य निश्चित किया गया है कि वह प्रत्येक स्मारक, कलात्मक व ऐतिहासिक रुचि के संस्थानों को जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, राज्य उसकी रक्षा करेगा। आगे देखें, 42वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि राज्य के पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने का प्रयास है वो राज्य के द्वारा किया, यानी पर्यावरणीय सुरक्षा और जो वन्य जीव उनके प्रति दया भाव रखना है तो ये राज्य के नीति तत्व में शामिल किया गया। राज्य इसके लिए ऐसी व्यवस्था बनाता है जिस तरह से कहता है कि भाई पर्यावरण का प्रदूषण नहीं करना है, और जो पशुपालन है या कह सकते हैं जो पालतू पशु वगैरह हैं, जो भी जंगली वन्य पशु है उनका शिकार नहीं करने के लिए भी राज्य कानून बनाता है कि शिकार नहीं करना है, इसके प्रतिबंध लगाने के राज्य कानून बनाता है। क्यों? क्योंकि एक राज्य है वो पर्यावरण की रक्षा का दायित्व दिया गया है इसको। फिर है जो पांचवा पॉइंट यहाँ पे देखें, पांचवे पॉइंट के रूप में आपको देखना है राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व। ठीक है, तो ये ध्यान लेना है राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संबंधी, शांति और सुरक्षा संबंधी जो निदेशक तत्व हैं, यानी जो राज्य है वह राष्ट्रीय शांति बनाए रखेगा और इससे संबंधी सुरक्षा की व्यवस्था भी करेगा। तो इसके लिए राज्य को संविधान के द्वारा निदेशक तत्व में ऐसी बातों का यानी ऐसे कार्य करने का वर्णन किया गया है। तो देखिए, हमारे देश का आदर्श सदैव ही ये रहा है वसुदेव कुटुंबम, ठीक है, और हमने सदैव ही शांति तथा जीव और जीनो दे के सिद्धांत को अपनाया है। और राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित आदर्शों को लेकर चलने का प्रयत्न करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि हो, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित रखना, राज्य के आपसी व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव रखना, और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता से सुलझाने के लिए प्रयत्न करना। तो ये है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो हमने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और शांति के संदर्भ में नीति तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 38 से लेकर 51 तक। तो ये तो थे नीति निर्देशक तत्व जो अभी समझ लिए। अभी आ जाएगा कि भाई नीति निर्देशक तत्व का महत्व क्या है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व क्या है। एग्जाम में ये आ सकता है कि भाई संविधान में नीति तत्व का वर्णन किया गया तो इसका महत्व क्या है। तो देखिए, ठीक है, नीति निदेशक तत्व का महत्व क्या है तो वो यहाँ पे अभी समझना है। तो पहला हम पॉइंट के अकॉर्डिंग ही समझेंगे। पहला जो महत्व है निदेशक तत्व के पीछे जनमत की शक्ति। यानी एक तरह से देखिए, संविधान है वो बनाया है तो संविधान के पास जो अंतिम शक्ति है वो कहाँ से आई है, जनता से, और जनता के द्वारा संविधान को एक प्रतिनिधि के तौर पे बनाया है तो ये एक तरह से जनता का ही पावर है, सोर्स है कि संविधान बनाओ, और संविधान में ही ये नीति तत्व का वर्णन किया गया है जिसके तौर पे राज्य इस तरह की व्यवस्था करता है। तो अब यहाँ पे अगर हम सोचें तो नीति तत्व के पीछे किसका पावर है, जनमत का पावर है। यानी नीति तत्व में वही बातों का वर्णन किया गया है जो लोकतंत्र में अनुकूल और उचित हो और जनता के अनुकूल हो, तो जनमत की शक्ति है वो नीति तत्व के पीछे होती है। ठीक है, अब देखिए, यद्यपि नीति तत्व को न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता लेकिन इनके पीछे जनमत की सत्ता होती है जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है, अतः जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इसकी अवहेलना का साहस नहीं कर सकती है।
शासन द्वारा किया गया इन तत्वों का उल्लंघन देश में शक्तिशाली विरोध को जन्म देता है। व्यवस्थापिका के भीतर शासन के विरोध दल के प्रहारों का सामना करना पड़ेगा और व्यवस्थापिका के बाहर इसे निर्वाचन के समय निर्वाचकों को जवाब भी देना पड़ता है। ये निदेशक तत्व राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं। तो इस वजह से निजी तत्व के पीछे अंतिम पावर किसका होता है? जनता का, जनमत का। ये इसलिए इसको महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा, नीति तत्व क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि नैतिक आदर्शों के रूप में महत्व। नेक्स्ट देखना है, नैतिक आदर्शों के रूप में इसका महत्व है, यानी नीति तत्व के रूप में ऐसी बातों का वर्णन किया गया जिससे एक उच्च आदर्श राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। तो देखें कि यदि निजी तत्वों को केवल नैतिक धारणा ही मान लिया जाए तो इस रूप में इसकी अपार महत्व है। ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा, फ्रांस में मानवीय नागरिक अधिकारों की घोषणा और अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में तो कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, फिर भी इन देशों के इतिहास पर इसका प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार उचित रूप में आशा की जाती है कि ये निदेशक तत्व भारतीय शासन की नीति को निर्देश और प्रभावित करेंगे। तो इसलिए नैतिक रूप में लोगों का आदर्श वो उच्च हो जाए तो इसके लिए नीति तत्व का वर्णन किया गया है। जो राज्य ऐसा काम करेगा तो लोगों का नैतिक स्तर है वो बढ़ेगा, एक अच्छी राष्ट्र की कल्पना या स्थापना होना संभव हो पाता है। तीसरा है, शासन के मूल्यांकन का आधार। तो देखिए, शासन के मूल्यांकन का, तो ये कहने का मतलब है कि ये जो निजी तत्व हैं वो राज्य के लिए और राज्य में सरकार होती है उसके लिए होते हैं, यानी सरकार कैसे काम करती है। तो एग्जाम्पल दीजिए, जैसे वर्तमान कोई सरकार है उनको लोगों ने सुना, अगर वह सही से काम नहीं करेगी तो दूसरी बार लोग उसे वोट देंगे नहीं, दूसरी सरकार को यानी दूसरी पार्टी को वोट देंगे। तो इसलिए नीति निदेशक तत्व में वो जो वर्णन किया गया है, अगर उसके अनुसार कोई भी सरकार राज्य की व्यवस्था है वो काम करती है तो दोबारा वह सरकार वही स्थापित हो पाती है, नहीं तो जनता उसे नकार देती है। तो नीति तत्व का अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसकी जो फ्यूचर की जो संभावना है वो कम दिखाई देती है, क्योंकि शासन का मूल्यांकन किया जाता है। जो सरकार शासन कर रही है उसका मूल्यांकन हर 5 साल में होता है, और वह किस आधार पर होता है? नीति तत्व के आधार पर, यानी नीति तत्व में वही बातें लिखी गई है जो जनता के हित के लिए होती है, और अगर वह करती है तो जनता उससे प्रभावित होती है, नहीं तो उसको दोबारा नहीं सुना जाता। यानी नीति तत्व है वह शासन के मूल्यांकन का एक आधार होता है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा पॉइंट है इसका महत्व। तो देखिए, शासन के मूल्यांकन का आधार के बाद सामाजिक आर्थिक क्रांति का साधन। सामाजिक आर्थिक क्रांति का साधन। ठीक है, तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि सामाजिक और आर्थिक क्रांति के साधन के रूप में हमने देखा है। तो नीति तत्व वही है जो उस राज्य और समाज के लिए होते हैं। अगर कोई राज्य उन लोगों के हित के अकॉर्डिंग नहीं चलता है यानी नीति तत्व का पालन नहीं करता है तो वहाँ पे क्रांति हो जाती है, सामाजिक क्रांति हो या आर्थिक रूप में। तो नीति तत्व में जो बातों का वर्णन किया गया है, अगर वो उसका पालन कोई राज्य करता है तो वहाँ पर सामाजिक आर्थिक रूप में क्रांति नहीं हो सकती, अन्यथा अगर इन तत्वों का पालन नहीं करेगा तो एक साधन के रूप में काम करते हैं। पाँचवा पॉइंट है जो यहाँ पे देखे, संविधान की व्याख्या में सहायक। तो नीति तत्व हैं वे एक तरह से संविधान की व्याख्या करने में सहायक होते हैं, क्योंकि इसमें जो बातें लिखी गई है वो संविधान की व्याख्या के तौर पे काम पे आती है। तो संविधान के अनुसार नीति तत्व देश के शासन में मूलभूत है, जिसका तात्पर्य देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ता उसके द्वारा निर्देशित होगी, और न्यायपालिका भी शासन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण आशा की जाती है। यदि भारत में न्यायालय संविधान की व्याख्या के कार्य में निधि तत्वों को उचित महत्व देगा, क्योंकि जो न्यायपालिका जो न्याय देती है तो उसमें वह हमेशा देगी या गौर करती है, उसको हमेशा निधि तत्वों को भी महत्व देते हुए वह फैसला देती है। तो इस तरह से M.C. शीतलवाड़ ने कहा कि राज्य नीति के इन मूलभूत सिद्धांतों को वैधानिक प्रभाव
प्राप्त न होते हुए भी उनके उनके द्वारा न्यायालय के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ का कार्य कर सकते हैं। तो ये जो था अपना आज का जो टॉपिक नीति निदेशक तत्व के बारे में कि नीति तत्व है क्या, ठीक है ना, ये राज्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और नीति तत्व में क्या क्या है, जो एक तरह से दृष्टिकोण के रूप में हमने देख लिया। अब हमने ये भी देख लिया कि नीति तत्व का महत्व क्या है, तो हमने ये जो पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट के हैं वो चर्चा की है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा नीति तत्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये ध्यान रखना कि नीति तत्व जो होते हैं, ठीक है ना, तो नीति तत्व है वो अगर उसका कोई पालन नहीं करता है तो कानून दंड तो नहीं दिया जाता है, लेकिन लेकिन जब संसद या संसद को ये महसूस हो कि नीति तत्व में कोई जो लिखा गया है जो तो कानून जो व्यवस्था है, तो संसद को लगे तो वो उस पर कानून बना सकती है, ठीक है ना। जैसे अधिकारों के रक्षा के लिए कानून की व्यवस्था की गई है, तो नीति तत्व के लिए कानून की व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन जरूरत पड़े तो संसद इसके लिए कानून क्रियान्वयन कर सकती है, लागू भी कर सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से अब अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं समझ में आया तो हम इसके लिए या आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स कह सकते हैं सर ये चीज़ें जो समझ में नहीं आए तो उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक अपना नीति तत्व के बारे में टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम नए वीडियो में मिलेंगे संघीय कार्यपालिका के बारे में, ठीक है ना। तो तब तक इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।